जी मित्रों सत श्री अकाल। सो ट्रैक्टर तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, अपना लाइटा खोल दती ऑलरेडी क्योंकि अपने को बई आए हुए थे करनाल खुशित्र वाले पास तो करके उन्होंने ना मैं गल कर रहे इन्होंने छोटे भरा ने लाइटा लुइटा खोलती सारिया। चैक करो तुम अगलिया पिछलिया, बाकी बाबे आ चैक करो कि मिट्टी जमी हुई है। यदा मतलब यार सीजन ट्रैक्टर चला के सू एक बार लाइटा खोल के धोनिया पै सकती जे जे हालात आ। बाकी हूँ आप क्ढीए ट्रैक्टर मारदा फराटे पूरे लोई बाबे लाइटा तो खोलतियाँ सी भरा ने ट्रैक्टर आप लाता आ हूँ बई नू कहने थोड़ा जहा पानी मार के इनू क्लीन कर ला ठीक। उस तो बाद फार्म ट्रैक वाली लाइटा लियाने तो उन्होंने देखते हैं कि हिसाब किताब आ कपलर के हिसाब न लगिया हुई हैं। तो आ तो पिछली है भीर जी रैड वाली है ना, ये पिछली है ये अगली है हाँ जी हाँ उ ना। मैं क्या एक बार आप इदा नाप लें ना फिर मैं होल करा लिया जाके ठीक है। चलो आ जाओ फिर चक लियो मार्कर चक लियो नाले इन रहने दे तो अगली है बुगे पहला पिछलिया का कर लिया ना मार्कर चक लियो नाल वो भी लै ना दूसरी भी लैफ्ट राइट अलग अलग है हाँ ये नहीं है ये नहीं है हाँ ये है। चलो ठीक है फिर लियो लो भी मार्कर चक लियो नाल मार्कर अंदर पिया होना जी। लो भी हुण आपां लाइटां दा नाप लीए यार किन्नी मिट्टी आ देखी यार मैंने किन्नी मिट्टी इकट्ठी हुई है यार बुरा ही हाल है ये हिसाब ना। चलो जी एक बार आप लाइटा नाप लिए फिर मिलते हैं थोड़ा। लो मित्रों लुक चैक करो ये कि घेंट आऊगी यार ट्रैक्टर की अं रख के देखिए मतलब सानू इन घेंट लगी ना ये। बाकी हूँ बाई वायरिंग का कर लग गया कम ठीक है। सो मैं एक अपने भरा बुलाया वा उन्होंने कहा भी आह जी चीज़ आ ये आप करा देंगे इन्हों रैप ठीक है। तो अंकल जिन्हों को आप लैके आए कहते रैप करा दे वधिया रहनगिया भी खराब नहीं होनगिया। एसीएन दी ही मिलदियां यार मैं फार्म ट्रैक ओरिजिनल दी पता कीतियां बट वो महंगियां बहुत 7,500 रुपए दियां आ। तो अंकल कहते भी गरंटी वरंटी उन्होंने भी कोई नहीं है क्योंकि एलईडी हुंदी है। सो मैं कहा इन्ने चाह ही ठीक है फिर ये सस्तियां भी है ठीक है बाबे। सो हुण आपां इहदी फिटिंग कर लगे हाँ तो पहला वायरिंग का सारा कर लीए वायरिंग करके फिर मरगाड़ धोवे धो के फिर इन्हों फिट कर देंगे। उस तो बाद आपां टेपिंग का काम भी करा के लिया है देखा फिर तुहानू टाइम तो दसा सारा कुछ। ओए मित्रों चैक करो तुम आप कपड़ा कुपड़ा मार के भरा ने धोती ही नाल नाल मैं कपड़ा मारी गया तो आप साफ कर मारी जगह बिल्कुल जिते लाइटा लाइनी आ ठीक है। बाकी आ यार थले ना दो तारा जीडिया वो पई सामने तक ये क्डा तारा क्योंकि ये मैं उदों पाइया ही जो आप छतरी के भी लाइटा लाइया ही इंडीकेटर तो दूजिया पर हूँ वह लातियां ही तो तारा कड़ दें आप। लो मित्रों तारा आप कड़ती वाली ठीक है जड़िया फालतू सी पहला। लो मित्रों ये चैक करो ये पुरानी लुक ठीक है जी पुरानी इंडीकेटर लाइट के अंदर हूँ थोड़ू नवे वाली दिखाने ये इन्ना डिफरेंस आ गया बाबे लुक का एलईडी कि घेंट लगती है ये आहो मामा तू खड़का ला हूँ जिहड़ियां रह गईयां सी व्लॉग ना कर दिओ। लो जी करो चैक लगती ना पूरी बंब। हाँ जी मेरे मित्रों सो कम कर लिया आप स्टार्ट तो चैक करो तुम कपलर कुपलर भरा ने कर लिया सैटिंग जी तो हूँ आ लाइट फिट करनी आ तो फिर थोनों अगे का ये करैक्शन कनुक्शन करके चला के दिखावे की सीन की हिसाब किताब आ। सो बने रहो व्लॉग के नाल फिटिंग का देखो सिंपल ही आ कुछ नहीं करना पाया कोई एक्सट्रा सुराख नहीं मारना जोंडियर च जिहे जे इदा आए आ मैं जोंडियर की इस करके कहा बई क्योंकि मैं जोंडियर ही ला रहा तो मैं यदा ही पता आ हूँ तक ठीक है। तो इदा ही एज इट इज़ सुराखा के अंदर आ जाना आ इतों वायरिंग निकल जानी है तो बाकी वायरिंग का तुम्हें करना पैना भी एक साइड या तो कपलर कट लो या कट पा के ला लो ठीक है क्योंकि जोड़े कपलर ये आते जोंडियर नहीं लगते ठीक है। तो इन्नी मोडिफिकेशन के अंदर यार बई एडजस्टमेंट करनी पैंदी आ ठीक है वह कोई हल नहीं हों। तो असी की किया कि पुरानी लाइटा के कपलर कट ले ठीक वो ता करके क्योंकि साड़िया लाइटा हूँ आप लाइनिया ही नहीं जे इन चो कोई खराब भी होगी तो नवी लिया के ला देंगे वो तो लाइनिया नहीं जी ओरिजिनल चीज़ उन्होंने तो अं इदा करना आ गत्ते पा के संभाल के घर लै जाना आ
ਆ ਓਰੀਜਨਲ ਲਾਈਟਾਂ ਪਈਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਲਾਈਟਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਿਓ ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਿਓ ਸੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਟ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹਲੇ ਇੱਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਟ ਫਾਸਟ ਜਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਟਿੰਗ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਸਲੋ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਿਓ ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 70% ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਰਕੇਸ਼ ਹਰਮਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵਾਲੀ ਫਰੰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਲਰ ਲਾਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕਪਲਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੁਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਆ ਯਾਰ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਧਰਲੇ ਰੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲਰ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਉੱਧਰਲੇ ਫਰੰਟ 'ਚ ਲਾਤਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਡ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਛਿੱਲ ਛੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਿਓ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਫਲੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਦੋ ਲਾ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਸੁਰਾਖਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਹੈਗਾ ਜਿਗਰਾ ਦੋ ਦੋ ਸੁਰਾਖ ਅੱਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸੁਰਾਖ ਮਰਗਾੜ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਬਾਬਿਓ ਇਹ ਮਤਲਬ ਏ ਸੀ ਐਨ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਟਾਂ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿਨਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੇਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਟ ਨੁੱਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਈ ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਡੀ ਆਰ ਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੀ ਆਰ ਐਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡੀ ਆਰ ਐਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਲਾਈਟ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਜਗਾੜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਏ ਸੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੁੱਕ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਿਓ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੱਤੀਆਂ ਆ ਲਈਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਾ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੱਸ ਦੇ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਰਸਲ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਸ ਰੱਖ ਕੇ ਟਾਈਟ ਕਰਦੀ ਇੱਧਰ ਸੇਮ ਆਹ ਪੱਤੀ ਕੱਢ ਦੀ ਬਸ ਟਾਈਟ ਕੱਢ ਗਏ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੱਤੀਆਂ ਕੱਸ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਜੂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸੋ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਰੀਲੇ ਫਾਸਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਛੱਡਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਛੱਡਦੇ ਬਾਕੀ ਆਲ ਰਨਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੋਵਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੋਕ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ
ता ही फायदा दिखाने का इदा लाइट लुइट का पता लगने नाले फोकसिंग भी सैट करनी थले वाली लाइटा की बाकी ऑल गुड है। हॉलैंड वाला सलंसर आप दोबारा लाता ओरिजिनल खोल के रखता है। सो हूँ मैं इन्हों स्मोक करा ला चारे लाइटा फिर मिलना है थोड़ा इधर चैक करो आ जी आप स्मोक की है वो लाइट ठीक है वह देखो वो तेनों नहीं दिखा रहा मैं तू इधर आ देखो ये होर तरह की लगती है लाइट देखो थोड़ा जहा लाइट के अंदर फर्क तो पेगा ब्राइटनेस के अंदर पर ज़्यादा जच रही है चैक करो तुम शाइनिंग जी भी होगी बस इन्हों हीट गन मारा ट्रैक्टर उत्थे ला के ये बंदे साढ़े ने गोटी गेरती है गोटी देखो हूँ पहला सारा पैनल जहा पट के यदा फ्यूज वाला फिर गोटू गोटी निकलनी है गोटी कट के फिर अगे पैनल कसागे यदा ठीक है बाबे। सो हूँ आप स्मोक कर लिए ये लाइट का भी करना सी यार बस अज टाइम ज़्यादा हो गया फिर किसी दिन करा हूँ ठीक है संडे संडे का दिन आप लाया करना है बाकी दिन आप इदा आ कि कोई ना कोई नवा प्रोजेक्ट जोड़ा आ वह छेड़ दिया करना ठीक है तो इनू संडे दे रखा करा क्योंकि संडे संडे अपने को टाइम होया करा संडे आप शॉप की छुट्टी रखा करनी बाकी वास्ते ये बंदे मेरी हैल्प करा आया करे सारे शक्ल पछाण लो जो नहीं आया एबसेंट ला दया करनी आप खुल गई भीर मैं क्या देख लिया अले भी लो जी ये कर लिए फिर थोड़ा मिलते हैं थोड़ी देर तक। हाँ जी बाबे उसको चैक करो हूँ तुम ट्रैक्टर की फ्रंट लुक तो ये थोड़ा जहा मैनू ना डाउन करना पैना ये एक्सपलोजर नहीं तो आना नहीं चैक करो फ्रंट दिया उपर वाली लाइटा तो उ गई दो जाली च लग गई ठीक है दो थले लाई हैं तो ये जड़ियाँ बई ब्लिंकर आल टाइम रनिंग नहीं है ये ब्लिंकर करे ठीक है उपर वाली चलो उ तो यहाँ दो लाइटा है ना ये ट्रायल वास्ते लैके आया से मैं देखने वास्ते भी यदा की हिसाब किताब है पर फोकस चैक करो मैं तुम्हें बाकी लाइटा बंद करके दिखा दिना है यदा कि फोकस है चैक करो ये कल फोग लैंप जे है जो थले चल रहे हैं ना इन की लाइट का ना बराबरी है तो अखा च पाने ली है बस होर कुछ नहीं वो चैक करो तुम लाइट वो बाकी नेरे च यदा वधिया रिस्पोंस दिखूगा ठीक है तो ये चैक करो बाकी ये लुक आ रही है बिना जलाए तो ठीक है बाकी सुच कट के लाने ब्लिंकर जो चल गया वैसे तो ब्लिंकर दे विच सुच लाना पैना अपन ना वो चल नहीं रहा ब्लिंकर सुच ही लगेगा तो जो सुच ला लाँगे फिर थोड़ा दिखा देंगे बाकी ऑल गुड है कम सैट हो गया फार्म ट्रैक वाली लाइटा जो लाती ठीक है तो इन दे अंदर जो अपना आ स्मोक कराती है पर स्मोक तो बाद भी मैं एक चीज़ सोच रहा भी ब्राइटनेस शायद घटूगी पर ब्राइटनेस पूरी है इन की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ब्राइटनेस ओके आ चैक करो बाकी हूँ रेयर लाइट का भी करा कुछ ना कुछ ठीक है वो थोड़ा दिखावे बाद ठीक है वो सोचा हुआ अज गार्ड वो लाइट मंगाई हुई है तो जिदा ही वो आ जाएगी फिर थोड़ा यदा भी रिस्पोंस दिखावे। सो हूँ मैं कैमरा स्विच करदा फिर दिखा तुम्हें देखो भाभी उस कलैरिटी थोड़ी ज़्यादा आ कैमरे से जोड़ा फास्ट करने वाला मैं थोड़ा दसिया या तो फ्लैशर मंगाऊंगा या फिर वो हैवी बल्ब मंगाऊंगा बल्ब वाला थोड़ा जगाड़ा बाई क्या फ्लैशर मंगा लियो वो ज़्यादा बेनीफिट रहेगा तो चैक करो रोशनी बहुत रोशनी है बई कल फोग लैंपा की है तो आ देखो उपर वाला ये हाई बीम आलो बीम सीगा आलो बीम बंद करता कल फोग लैंप है ठीक है सुच तो किए हैं फोग लैंप चैक करो बाकी इन्हें सुच लगने ये तो मैं टैंपरेली करते हैं सुच से ठीक है फिट करने वास्ते तो बाकी जी रिस्पोंस है वो थोड़ी देर तक जिन्ने तक नेरा हो जाए प्रॉपर फिर आप खेतों ले जाना ही है गड्डी उत्थे खड़ी है ट्रैक्टर खेतों से खड़ा है तो फिर मैं प्रॉपर थोड़ा दिखाऊंगा भी यदि की लुक आँदी है तो कि मार करती है लाइट ठीक है बाबे। सो हूँ करदा मैं क्लिप का एंड फिर मिलदा थोड़ा खेतों जाके। हाँ जी बाबे सो मैं दुकान दुकान वधा के पहुँच गया खेतों से मैं क्या लाइट चैक करा दीए फिर आप ब्लॉग का करते हैं एंड देखो उस टाइम ना सारिया लाइटा जगह हुई हैं तो हूँ आ हाई बीम बंद करता आ लो बीम बंद करता ठीक है जी आप पार्किंग भी बंद करती सैट आ सिर्फ इंडीकेटर जग रहे हैं इन्हों भी बंद कर दें ठीक है ये कली वो छोटी छोटी लाइटा की लाइट है जी फोग लैंप जो मैं लैके आया ये उन्होंने लाइट है ठीक है बाबे। सो ये हो गई अपनी पार्किंग जिमें कि आ जागी देखो तो ये हो गया अपना लो बीम तो ये हो गया हाई बीम बाबे बहुत है यार जो देखा जाए छोटी जी लाइटा की भी लाइट बहुत है चैक करो तो मेरे हिसाब न इस तो ज़्यादा तो लाइट की होएगी बाकी बार लाइट का काम कुछ होर होंगे आ इन का रिस्पोंस ठीक है जिनी कि इन्हों की कीमत है उस हिसाब ना रिस्पोंस वधिया दे रही है तो बाकी तुम्हें ट्रैक्टर की लुक चैक करा दिना मैं सारी लो चैक करो ये फार्म ट्रैक दी लाइटा लगन तो बाद लुक ठीक तो ये फ्रंट तो जाली जो ना लाइटा बहुत कैंट लग दी मैं थोड़ा ना एक्सपोजर डाउन करके दिखा इदा यार दिखदियाँ नहीं मैं लगता एक्सपोजर होना ही नहीं डाउन साइड ना बबे
एक्सपोजर ही डाउन नहीं हो रहा। ना मित्रों तो बाकी तुसी थले वाली लाइटा देख सकते हो ठीक है, तो ये साइड वाली बाकी हूँ ट्रैक्टर धवावे फिर दिखावे तुम बाकी की लुक जी आती है ना। लो जी लाइटा स्लो हो गई बाबे, हजार्ड इंडिकेटर वाली तो स्लो हो गई आ, जिदा ट्रैक्टर स्टार्ट है ना उदो स्लो हो जाती है। लो हूँ एक्सपोजर डाउन होएगा ना बाबू, पता नहीं मैं लगता मेरा फोन नू कोई गड़बड़ हो गई है जिदे करके एक्सपोजर नहीं हो रहा। एक मिनट वीडियो बंद करके दोबारा चला। लो मित्रों आ एक्सपोजर डाउन करके थोनों एक आइडिया जहा मिल जाएगा। वैसे तो यार बहुत ज़्यादा मतलब वो ब्राइट है कम, तो घेंट लगते बब्बे साइडा च ना आ दो थले लगे हुए हैं प्रोजेक्टर जोड़े करो चैक, ये है जी यदि लुक। बाकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आ ठीक है। राहुल कैसा लग रहा है ट्रैक्टर? ठीक लग रहा है। क्या क्या नया हुआ इसमें? नया हुआ। क्या होया? अच्छा लाइट पता लग गया, देख लो राहुल पता लग गया बाबे कि लाइटा लुइटा चेंज करिया। तो बस हूँ आप अपने ट्रैक्टर का ना सैटरडे संडे फिक्स रखिया करना है, क्योंकि बाकी दिन तो यार आप कस्टमर या अपने पर वीर भरावान देखा करना है ना कि हिसाब किताब है। तो जोड़े दिन अपने को बचा करे जिदन आप वेले अपना अपना ट्रैक्टर भी ना करी जाना है ठीक है। बाकी मैं भजा के लिया बाबे भजदा बहुत है, कई दिन ना तू भी दिखावा क्लिप तो खाली रोड वेख के कोई वधिया जा। ओहो एंगल भी आवाज करता है, एंगल के नट में लगता कि लूज ला दिया आवाज करता। वो खड़ी अपनी राणी सुंदरा इनू आप इतने लाने झोटे न हूँ कर दें लाइटा लुटा बंद। बाकी मित्रों हूँ तो मैं बस घर ही चलिया हूँ, होप कर रहा इस वीडियो ने इंजॉय किया होगा, जो इंजॉय किया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, तो मैं इंस्टाग्राम से जाकर जरूर फॉलो करो जो मेरा परसनल अकाउंट जितने मैं रीला पोस्ट करता ना ज़्यादा तो ज़्यादा वो है जी साहिब चीमा 03 तो उत्थे जाके जरूर फॉलो करो। बाकी हूँ मैं मिलागा थोड़ू नवे ब्लॉग न अज ली बस इन्ना ही। The useless with shooting, no one notices the you. It's just me against the world.